के अध्ययन में हम लोग न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जानते हैं। जब वैज्ञानिक पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रखने के लिए अपने अपने नियम दे रहे थे, तो उसी समय न्यूलैंड ने भी सन 1864 ईस्वी में अपना एक नियम दिया, और इस नियम के अनुसार न्यूलैंड पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रखने के लिए अपना एक जुगाड़ बनाने लगे। उस समय जब न्यूलैंड पीरियाडिक टेबल में तत्वों को रख रहे थे, तो न्यूलैंड ने किया क्या, किस प्रकार से तत्वों को रखना चाहा, न्यूलैंड ने किया क्या, तत्वों को रखने के लिए आठ आठ समूह के तत्वों के समूह बनाए, आठ आठ समूह को तत्वों को समूहों में विभाजित किया, बांटा, यही नहीं और उन तत्वों को जब रखे तो इनके गुणों को, इनके गुणों का जो कंपेरिजन है वो संगीत के स्वरों से किया। न्यूलैंड का कहना था जिस प्रकार संगीत के स्वर में जो पहला अक्षर होता है उसका गुण ज्येष्ठ आठवें तत्व के गुणों से मिलता जुलता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जो पहला एलिमेंट होता है उसका गुण आठवें तत्व से मिलता है। संगीत के स्वरों की बात करें, सा रे गा मा पा धा नी सा, आप देख पा रहे हैं सा रे से हम सा से शुरू किए, लास्ट में सा आठवें नंबर पर ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी गया है सा रे गा मा पा धा नी सा। अब इस चीज को जरा आप समझिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, राइट। तो ये जो पहला स्वर है वो अपने आठवें तत्व के क्या है, सेम है। यहाँ पर हम नंबर भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस प्रकार संगीत के स्वरों में पहले अक्षर का जो गुण होता है आठवें अक्षर के समान होता है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जो पहला एलिमेंट्स है उसका जो गुण होगा आठवें तत्व के गुणों से मिलता जुलता होगा। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर देखिए सोडियम। अब इनकी नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए आ रहे नहीं, गुण मिल रहा है ना, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी धातु, ये भी धातु। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए इनका गुण मिल रहा है। इसी प्रकार बोरान इससे मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। कार्बन इस सिलिकॉन से मिल जाएगा, दोनों नॉन मेटल हैं। फ्लोरीन क्लोरीन से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे रे गा मा पा धा नी सा रे, ये देखिए संगीत के स्वर। आप कहीं से भी पहला उठाइए जो संगीत का स्वर है, आठवें पे ले आइए, पटक दीजिए। यहाँ देखिए अगर आप गा मा पा धा नी सा रे गा, यहीं से आ रहा है ना। तो इस प्रकार न्यूलैंड का कहना था जो प्रत्येक पहला स्वर होता है संगीत का वो आठवें स्वर से मिलेगा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार पहले तत्व का जो गुण होगा वो आठवें से मिलेगा। अब ये जो मेंडलीव ने अपना नियम दिया, ये नियम कब तक चला, कब तक इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन होता रहा। दरअसल ये जो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया, इनका जो नियम था केवल कैल्शियम तक लागू रहा, कैल्शियम के बाद ये रूल जो नियम था न्यूलैंड का अष्टक नियम ये लागू नहीं हो पाया। जो न्यूलैंड ने अष्टक नियम था नियम दिया था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ, उसके बाद लागू नहीं हो पाया। अब इसके बाद बात यहाँ पर आती है कि अक्री गैस भी खोजे गए। अक्री गैसों में कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रेप्टान, जेनान, रेडान। बच्चों जब अक्री गैस खोज लिए गए तो उस समय न्यूलैंड का अष्टक नियम पूरी तरह असफल हो गया। अब ये कैसे जरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियान। तो क्या लिथियम का गुण कभी नियान से मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये क्षार धातु है, एक्टिव है, और यही नियान नॉन एक्टिव है, शून्य वर्ग है, वो जल्दी किसी से क्रिया भी नहीं करता। तो यहाँ पर असफलता मिली न्यूलैंड के अष्टक नियम का। फिर यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, उसके बाद क्या आ जाता है, आर्गन। यानी कि जब अक्री गैसों को खोज लिया गया तो आप कह सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था पूरी तरीके से असफल हो गया, राइट।
तब इनके जो पहला गुण था वो आकर अक्रिय गैसों से मिल रहे थे कुछ तत्व, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से न्यूलैंड का अष्टक नियम विफल हो गया। अगर बोर्ड जैसे एग्जाम कंपटीशनल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ये सब बातें आप बता सकते हैं। यदि आप चैनल पर रहे हैं फटाफट चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब और उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए जिन्हें इनकी काफ़ी ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे और पीरियाडिक टेबल में आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हम काफ़ी वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बता रहे हैं, हमने ड्यूमा की सजातीय श्रेणी भी बता रखा है, डुबेराइनर का त्रिक नियम भी बता दिया है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, काफ़ी वीडियो लेक्चर बनाए हैं। आप एक एक लेक्चर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके अंदर एनसीईआरटी बुकों के प्रति काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। उसके बाद कंपटीशन की तैयारी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।